तिनैया बचाने में जुटे राहुल गांधी क्या फेल हो गए हैं, जो अब प्रियंका की याद आई है। राहुल की बातों में कांग्रेस को वो करिश्मा नजर नहीं आता, इसलिए जनार्दन द्विवेदी जैसे पार्टी के पुराने सिपाही को गांधी परिवार के राहुल की काट गांधी परिवार की ही प्रियंका में नजर आई। यूं तो बीजेपी में भी परिवर्तन को लेकर घमासान मचा हुआ है, वहां भी पुरानी पीढ़ी को दरकिनार कर चुनावी दंगल में ताल ठोकी जा रही है। बीजेपी में जहां एक ही शख्स के हाथ में कमान को बवाल मचा हुआ है, वहीं कांग्रेस में इसके ठीक उलट राहुल गांधी ने युवा टीम को आगे लाकर पार्टी की कमान अपने हाथ में ले तो ली, लेकिन यहां लीडर की खोज अब भी जारी है। विकल्प में कभी उनकी बहन प्रियंका का नाम लिया जाता है तो कभी मां को चुनावी प्रचार में तेजी लाने के लिए खुद उतरना पड़ता है। क्योंकि कांग्रेस एक ही परिवार की पार्टी मानी जाती है, तो क्या यह समझा जाए कि नाराज पार्टी के असंतुष्ट बुजुर्ग ने गांधी के बदले एक और गांधी को आगे बढ़ाया है और पार्टी में एक राय बन चुकी है कि राहुल विफल हो चुके हैं। समय के लिए दिनेश गौतम। फैजल साहब, ये क्या है, क्या राहुल पर से कांग्रेसियों का भरोसा उठने लगा है, या फिर राहुल जिस तरीके से संगठन में सुधार की कोशिश कर रहे हैं, पुराने नेताओं को बिठाया जा रहा है, कह रहा है कि अब कहा जा रहा है राज्यसभा देखिएगा आप, इधर खाली कीजिए, ये सब तौर तरीके उन पुराने दिग्गजों को रास नहीं आ रहे हैं और इसीलिए शायद ये पैंतरे हो रहे हैं? देखिए, एक बात बिल्कुल तय है गणेश, के जो सीनियर कांग्रेस के लीडर हैं उनको इस तरह की नए तरह की जो पॉलिटिक्स है जो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल करते हैं और जिस तरह की चीजें राहुल गांधी कर रहे हैं उससे वो कंफर्टेबल नहीं है। उनको ये लगता है कि इस तरह की जो चीजें हैं वो बाद में करेंगे, पहली चीज जो है वो इलेक्शन जीतना है। राहुल गांधी ने हमेशा ये कहा है कि नहीं, इलेक्शन से ज्यादा बड़ा काम करना है, आपको सिस्टम में जो है वो चेंज लाना है, गवर्नेंस में चेंज लाना है। ये चीज अभी जो पुरानी पीढ़ी की कांग्रेसी है उनको ये समझ में आती है। एक दूसरी बात यह कि उनकी अपनी इनिंग समाप्त हो रही है तो उनको लगता है कि अभी से हमको पावर से बाहर ना कर दिया जाए। आप देखिए, एक लंबी लिस्ट है कांग्रेसी नेताओं की जिनको बिल्कुल किनारे कर दिया गया, राहुल की जो यूथ ब्रिगेड है वो सामने आ गई है, तो उनमें एक असंतोष है। और ये जो बयान आज आया है जनार्दन द्विवेदी का, वो भी कहीं ना कहीं उसी असंतोष की तरफ इंगित करता है कि एक धड़ा ऐसा है जो राहुल गांधी के नेतृत्व के ऊपर उनको कॉन्फिडेंस नहीं है और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि इलेक्शन के बाद वो फेल होंगे। अगर राहुल फेल होते हैं तो फिर क्या होगा? मुझे ये लगता है कि सोनिया गांधी का, प्रियंका गांधी का जो रोल है, जब कांग्रेस अपोजिशन में बैठेगी तब प्रियंका गांधी का रोल ज्यादा बिगर होगा जी, शायद वही सही समय होगा, ऐसा भी लोग मानते हैं बद्री जी। लेकिन एक बात, दो स्टेटमेंट्स मुझे याद आ रही हैं दो बड़े नेताओं की। सलमान खुर्शीद ने कहा था किसी बात पे कि राहुल गांधी तो एक टेस्ट मैच खेल रहे हैं और हम भी उनके साथ खेल रहे हैं। दूसरी तरफ जयराम रमेश ये कह चुके थे कि भाई वो ज्यादा दूर का सोचते हैं, लंबी दूर का सोचते हैं, जबकि चुनाव अभी हैं। इनका क्या आशय निकाला जाए? एक जो तौर तरीका है उनका काम करने का, वो बिल्कुल पार्टी को रिहॉलिंग कर रहे हैं, नंबर आने की नहीं सोच रहे हैं चुनाव में। इस तौर तरीके से पार्टी के बहुत सारे बड़े नेता इत्तेफाक नहीं रखते? बिल्कुल सही है, कांग्रेस को जिस तरह से राहुल गांधी एक परिवर्तन कांग्रेस के भीतर कर रहे हैं, एक नया कांग्रेस बना रहे हैं, कांग्रेस के भीतर एक बहुत ट्रांजिशन चल रहा है अलका, और बहुत बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा अगले 5-7 सालों में। और राहुल जी कहते भी हैं कि अगला 5-7 साल 10 साल हमें लगेगा इस एक नई संस्कृति कांग्रेस के भीतर बनाने में और पूरे देश में, और वो उस प्रक्रिया में लगे हुए हैं। मैं उनमें लगातार एक बड़े ऑर्गेनाइजर की छवि देखता हूं, मुझे कई बार कामराज की तरह, एक बहुत अच्छे कैडर बिल्डर भी हैं राहुल गांधी, वो सब कर रहे हैं वो, लेकिन उनमें जो मास लीडर वाली करिश्मा जो हम लोग बात कर रहे थे कि उसकी कमी है या नहीं है, एक्चुअली ये करिश्मा भी रिलेटिव होता है। जैसे जब वो ट्राइबल्स के बीच जाते हैं तो खूब उनका करिश्मा दिखाई पड़ता है। यूपी में 22 सीट एमपी का सारे कांग्रेसी पुराने नेता उनको रोक रहे थे, लेकिन 22 सीट उनके कारण आया, मना कर रहे थे भाई राहुल जी को नहीं आगे बढ़ना चाहिए। तो वो राहुल जी बहुत डेयरिंग है और उनका करिश्मा भी आपको दिखाई पड़ेगा, लेकिन ये सही है कि सोनिया की प्रियंका एक बड़ी मास लीडर है और राहुल एक बड़े अच्छे ऑर्गेनाइजर। क्या इसको ऐसे समझा जा सकता है वर्सेस कांग्रेस के लिए? ये भी समझने की है कि जो कुछ भी ट्रांजिशन हो रहा है, जो भी चेंजेस आ रहे हैं कांग्रेस में, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ राहुल ला रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं पूरी भागीदारी प्रियंका गांधी की है। अब वक्त ये आ गया है, कांग्रेस इस बात को एक्सप्लोर कर रही है कि ये दोनों भाई बहन की टीम अगर खुल के पॉलिटिक्स में आती है तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, और उसके लिए दे टेस्टिंग द वाटर। पूर्णिमा जी, या फिर ऐसा है कि अगर परिवार का कोई एक लॉयल नेता इस तरह की बातें बाहर करता है जिससे कहीं थोड़ी देर के लिए ही सही उत्साहित भी होते हैं लोग और कंफ्यूजन भी फैलता है,
तो क्या इसके पीछे वजह यह हो सकती है कि राहुल खुद इसको बहुत सीरियसली अभी ना ले रहे हैं? उनको मालूम है उन्होंने कई तब्दीलियां ऐसी की हैं जो कई पुराने दिग्गजों को रास नहीं आएंगी, कई हो सकता है पार्टी भी छोड़े, दूसरे में भी शामिल हो, ये दिखाई भी दे रहा है कि अभी हिलेगी जमीन, वो अभी इस भूकंप के लिए तैयार है और बाद में अपना रोल देख रहे हैं। नहीं, एक्चुअली में हो ये रहा है कि जो राहुल के काम करने का तरीका है तो वो ऐसे लोगों को आगे ला रहे हैं जो कि सड़क पे मेहनत कर रहे हैं, और जो एक पुरानी जनरेशन के कांग्रेस के नेता हैं उनको अपने एसी चैंबर्स में बैठ के और राज्यसभा में बैठ के राजनीति करने की आदत जो पड़ी हुई है, वो लोग थोड़ा परेशान हो रहे हैं इससे। तो वो चाह रहे हैं कि उस चीज में कहीं अपनी भूमिका वो नई तरीके से फिट कर सके, और इसलिए वो इस तरह की बातें ला रहे हैं ताकि थोड़ा उनकी रेलिवेंस बनी रहे। ये बताएं कि अब प्रियंका के आने की बात होती है, प्रियंका कहती है कि नहीं मैं तो यहीं तक सीमित हूं।